पूजा और श्रेयस आपका स्वागत करते हैं इस राजस्थान सीरीज में। आज हम आए हैं द सिटी ऑफ लेक उदयपुर में और आज हम एक्सप्लोर करेंगे सज्जनगढ़। तो चलिए आपको दिखाते हैं सज्जनगढ़ हमारी नजर से। इंग्लिश में एक फ्रेज है, When in Rome, do as the Romans do। तो हमने भी सोचा क्यों ना उदयपुर लोकल की तरह ही घूमा जाए। उसी के लिए हम आए बाइक ऑन रेंट में और यहाँ से हमने उठाई बाइक, जो कि हमें करीब 400-500 पर डे के हिसाब से पड़ी, और हम चल दिए सज्जनगढ़ की ओर। हमारा पहला उदयपुर का डेस्टिनेशन सज्जनगढ़। कोजी गलियां और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम चल दिए आगे सज्जनगढ़ की ओर। अब सज्जनगढ़ का रास्ता तो पता नहीं था, गूगल मैप के हिसाब से जा रहे थे, पर क्या है ना, छोटा सा शहर है, गूगल मैप भी सही से नहीं बता पा रहा था। भाई साहब, ये सज्जनगढ़ इधर। तो ऐसे लोगों से रास्ता पूछते पूछते फाइनली हमको सज्जनगढ़ दिख ही गया, वो पहाड़ की चोटी पे। रास्ता बहुत लंबा था और पहाड़ी भी था, पर बातें करते करते और नज़ारों का आनंद लेते लेते कब सज्जनगढ़ तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। तो फाइनली पहाड़ की चोटी पे हम पहुंच गए, सज्जनगढ़ पे हम पहुंच गए, और यहाँ से हमें उदयपुर का पैनोरामिक व्यू भी देखने को मिला। चलो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सज्जनगढ़ के बारे में, सज्जनगढ़ के इतिहास के बारे में, किसने बनाया था, क्यों बनाया था, सज्जनगढ़ के अंदर क्या रखा है। तो चलो चलते हैं। सज्जनगढ़ का निर्माण मेवाड़ राजवंश के महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। इसका निर्माण मॉनसून पर नज़र रखने के लिए किया गया था, इसीलिए आज इसे मॉनसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। महल के अंदर आपको क्या देखने मिलेगा, तो बहुत सारी पेंटिंग्स, मूर्तियाँ, फोटोज़ और बहुत कुछ। इसके अलावा राजस्थान की जैव विविधता को दर्शाती हुई कई मूर्तियाँ भी यहाँ रखी थी। मॉनसून पैलेस में जो हवाएं चलती है उनके बारे में तो क्या ही कहूँ, इन हवाओं में तो कुछ देर के लिए मैं खो सी गई थी। तो ये था हमारा सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस। अब यहाँ से हमें लगी थी भूख, तो हम चल दिए वापस और पहुँच गए ट्रिब्यूट रेस्टोरेंट। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ उदयपुर, क्योंकि यहाँ का खाना तो लाजवाब है ही, पर उसके साथ आपको यहाँ पे जो व्यूज़ मिलेंगे वो भी काबिले तारीफ़ है। राजस्थान आए और राजस्थानी खाना ना खाया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहुत देर मेन्यू कार्ड तो देखा, बट मन तो दाल बाटी खाने का ही था, तो फाइनली मैंने ऑर्डर कर दी दाल बाटी हम दोनों के लिए। तो अमेजिंग फूड और आउटस्टैंडिंग व्यूज़ के बाद टाइम है अगले डेस्टिनेशन का। हम चले करणी माता टेम्पल फतेह सागर लेक होते हुए। तो हमें किसी ने सजेस्ट किया था करणी माता टेम्पल में जाने के लिए सबसे बेस्ट वे रहेगा रोप वे से जाना, तो उसी लिए हम चल दिए रोप वे की ओर और वहाँ से ख़रीदा हमने दो लोगों के लिए एक प्राइवेट कैबिन का टिकट।
दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम इन रोपवे। मज़ा तो बहुत आ रहा था और डर भी लग रहा था, और मज़ा और डर का तो कॉम्बिनेशन ही अलग होता है। तो रोपवे का सफ़र ख़त्म होने के बाद हम चल दिए माता के दरबार की ओर। मंदिर में कैमरा तो अलाउड नहीं है, तो माता के दर्शन तो नहीं करवा पाएंगे, पर हाँ सनसेट के नज़ारे ज़रूर दिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।